नेक्स्ट बूलियन ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास और ऑपरेशन, और ऑपरेशन को हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए बी, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे ए और बी के। आउटपुट की बात करें ए और बी, और को हम प्लस ऑपरेशन भी बोलते हैं, फिर प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, इफ एनी इनपुट इज वन देन द आउटपुट इज वन, ये इसका स्टेटमेंट है। इफ एनी इनपुट इज वन देन आउटपुट इज वन, एनी इनपुट इज वन, यहाँ पे एक भी इनपुट वन नहीं है तो ये जीरो होगा, और यहाँ पे एक इनपुट वन है तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे एक इनपुट वन है तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों वन है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो और जीरो जीरो, जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, वन और वन वन, ये हमारे पास है और ऑपरेशन। अगर हम बात करें इसकी गेट फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन की, थोड़ा सा ये कॉनकेव है बाहर से और इस तरह से बनाया जाता है और गेट, यहाँ पे इनपुट है ए, यहाँ पे आउट इनपुट है बी, और ये आउटपुट क्या आएगा, ए और बी, ए इनपुट और बी इनपुट, ये हमारे पास और गेट है। गेट क्या होता है, वो सर्किट जो कि इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके आउटपुट देगा ए और बी, इनपुट लेगा ए एंड बी, तो ए और बी इनपुट लेगा और आउटपुट ए और बी प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है गेट और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम बात करें सिमिलर जो चीज़ हमने बात करी किसके लिए, एंड गेट के लिए, अगर हम बात करते हैं ए और ए की, ए और ए, हमारे पास ए वैल्यूज दो ले सकता है, या तो जीरो वैल्यू लेगा या तो वैल्यू वन लेगा। अगर हम बात करें ए और ए, तो हमारे पास जीरो और जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन और वन हो जाएगा। अगर हम आउटपुट की बात करें, जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो होता है, कोई एक इनपुट वन हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन ही आएगा। इसकी स्टेटमेंट मैंने बता दी, इफ एनी इनपुट इज वन देन आउटपुट इज वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ क्या रहा है, देखो जीरो है इनपुट तो जीरो आउटपुट, वन है इनपुट तो वन आउटपुट, यानी कि ए और ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ए और जीरो की, अगर हम बात करें ए हमारे पास जीरो है और वन है, और जीरो के साथ कर रहे हैं हम, और जीरो के साथ कर रहे हैं, जीरो और जीरो जीरो, वन और जीरो वन, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ए और जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जो इनपुट है ए, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, यानी कि ए और जीरो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है। थर्ड हम बात करते हैं ए और वन की, ए दो वैल्यू ले सकता है, जीरो या तो वैल्यू ले सकता है वन, और इसको अगर हम और ऑपरेशन कर रहे हैं वन के साथ, तो हम जानते हैं जीरो और वन इज इक्वल टू क्या होता है, वन, और वन और वन क्या होता है हमारे पास, होता है वन। ए और वन के साथ अगर हम कर देंगे और इसका, तो ऑलवेज क्या आना शुरू हो जाएगा, वन आना शुरू हो जाएगा। ये हैं तीन ऑपरेशंस, तीन रिजल्ट्स जो हमारे को याद रखने हैं और ऑपरेशन के लिए, ए और ए इज इक्वल टू ए। इसी को अगर हम गेट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो गेट फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। अगर हमारे पास ये और गेट है और दोनों इनपुट अगर हम कॉमन कर देते हैं ए, तो आउटपुट भी क्या आएगा, ए, सिमिलर टू एंड गेट, एंड गेट के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था। अगर हम बात करते हैं दूसरी, ये हमारे पास और गेट है, एक इनपुट हमारे पास है ए और दूसरी इनपुट हमारे पास है जीरो, दूसरी इनपुट हमारे पास है जीरो, तो आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, अगर आउटपुट के अंदर आ जाएगा ए। सिमिलरली थर्ड की अगर हम बात करें, एक इनपुट हमारे पास ए है और दूसरी इनपुट हमारे पास वन है, अगर एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये तीन ऑपरेशन हमने पढ़े, और ऑपरेशंस।